इमाम ज़ोरी कहते हैं कि एक मरतबा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने आपको गिरफ्तार किया, मदीना तैयबा से आपको उठा करके दिमश्क ले जाया जाने लगा, तो उस वक्त मुझे पता चला तो मैं आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हुआ, तो आपको हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, बेड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं। कैसे नामेहरबान इंसान हैं, अगर आपको सिर्फ रोकना ही मुराद है तो हथकड़ियाँ काफ़ी नहीं, लेकिन अपनी बेईमानी का पूरा सबूत मुहैया करने के लिए हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, बेड़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो हजरत इमाम ज़ोरी जब जाके पेश होते हैं तो कहते हैं फदखल अलैहि ज़ोरी अलविदा ही फबका, अलविदा कहने के लिए हजरत इमाम ज़ोरी आपकी बारगाह में मदीना तैयबा में हाजिर हुए और रो दिए। आपने ये कहा कि वदित तो अन्य मकान का, काश के आप जिसकी जगह मैं होता, जो हथकड़ियाँ आपको लगी हुई आपको न लगी होती, मुझे लगी होती। आपने अन्नाजालिकरबनी लोशे तो लमा खान, आप कहते हैं कि क्या समझते ये मुझे अजियत पहुँचा रही हैं, अगर मैं ना चाहता तो ये मुझे ना लग सकती, इसका मतलब मेरे पास कुव्वत है कि मैं अगर चाहूँ तो ये हथकड़ियाँ मुझे न लग सकें। आगे इसका अमली सबूत क्या पेश हुआ, कहते हैं जब मदीना तैयबा से आपको निकाला गया तो आप दो दिन के सफर में साथ साथ हूँ, अचानक जो उनके मुहाफिजीन हैं आप उनसे गायब हो गए, तलाश किया तो कहीं ना मिले, हत्ता के सुबह शुरू हुआ ही और चारों तरफ से उन्होंने नाकाबंदी कर ली, मुख्तलिफ रास्ते घेर लिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, बेड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, तेज़ रफ्तार से चल भी नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा दूर गए होंगे, कहाँ तक गए होंगे, उन रास्तों पर बंदे बिठा के आपका इंतज़ार किया लेकिन न पाया। इमाम ज़ोरी कहते हैं मैं अब्दुल मलिक के पास गया तो मुझसे पूछने लगा कि बताओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तुमने कैसा पाया है, उनका एक दिन मैं हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने कहा ये हथकड़ियाँ जो आपके लगी हुई है काश ये मुझे लगी हुई होती, तो आपने कहा क्या तुम समझते हो ये मेरी मर्जी के बगैर लगी है, देखते ही देखते हथकड़ियाँ भी उतर गई, बेड़ियाँ भी उतर गई। ये सवा 200 पर लिखा हुआ है सवा के मोर का, इसका मतलब होंदी कुव्वत जोर न लाया बैठे मन रजाई, होंदी कुव्वत जोर न लाया बैठे मन रजाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब कहा कि तुम समझते हो ये जबरन मुझे लगी हुई है, ये मेरी मर्जी का मामला है, मेरे देखते ही देखते हथकड़ियाँ भी उतर गई, बेड़ियाँ भी उतर गई। दो दिन आगे सफर किया, देखा अचानक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन गायब हैं। मैंने जल्दी करके चाह के आगे चल के उससे बात करो अब्दुल मलिक से कि ये अहले बैत के साथ जुल्म न करो, तो क्या देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल मलिक के सामने मौजूद हैं, इधर छोड़ के गए थे हथकड़ियों में और बेड़ियों में, बेड़ियों और हथकड़ियों में मौजूद होने के बाद बगैर किसी वसीले के बगैर किसी सवारी के वहाँ मौजूद हैं। उस अब्दुल मलिक डर गया, इसी किताब के अंदर चल के आगे लिखा हुआ है कि अब्दुल मलिक जब डरा तो हज्जाज बिन यूसुफ के नाम खत लिखा कि तुम औलादे रसूल के साथ जबर व तशद्दुद बंद करो, ये बड़ा अल्लाह ताला का अजाब और गजब खरीदने वाली बात है। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने एक खादिम को चिट्ठी लिख के दी के फलां तारीख को फलां वक्त तुमने हज्जाज बिन यूसुफ के नाम ये चिट्ठी लिखी है। जब उसको खोल के देखा तो देखा कि जो तारीख उसने डाली थी उसकी तरफ खत लिखते वक्त वही तारीख लिखी हुई है, वही टाइम लिखा हुआ है, तो मालूम हुआ ये इधर लिख रहा है उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसको पढ़ रहे हैं। अब बताओ जो ये अकीदा रखते हैं नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं, ये अहले बैत का अकीदा है। خير الخلق كلهم